जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, जो आज का वीडियो स्पेशली ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मेरे उन सभी छोटे भाइयों के लिए जो पहली बार इस वैकेंसी में आ रहे हैं, जो क्योंकि जो पहली बार इस SSC GD की जो वैकेंसी में आ रहे हैं या कंपटीशन एग्जाम में जो पहली बार आ रहे, चाहे वो RPF कॉन्स्टेबल की हो, SSC GD की हो, या और भी जितनी भी 10वीं पास आर्मी की वैकेंसी है या TA भर्ती है या आर्मी, जो आपको पता है कि भर्ती आ ही रही है इस साल की 2021 की भी शुरू हो गई और चल ही रही है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज आर्मी की वैकेंसियाँ भी चल रही है। तो दोस्तों, उनके मेरे पास में काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि सर आपको मतलब हमको अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मैं एक चीज़ बताऊं आपको, बहुत सारे लोग हैं ना, चाहे वो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नेवी की तैयारी कर रहे हैं, या अभी पास करके आए हैं 10वीं या 12वीं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी वीडियो, आप ज़रूर बने रहिए। मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें बताने वाला हूं जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यहां पर लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं, आपका भला कोई नहीं चाहता, ठीक है। तो मैं आपको कुछ खास बातें बताने वाला हूं, इसलिए आप अवश्य देखें। तो दोस्तों, ज़्यादातर जो मेरे से क्वेश्चन रहता है कि सर क्या हमको अकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए और कौन सी अकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए आपके हिसाब से, कौन सी अच्छी अभी प्रेजेंट टाइम में अकेडमी, तो दोस्तों अलग अलग वैकेंसी, अगर आप पहली बार भर्ती में आए हो तो पहली बार तो मैं इस चीज़ से कभी डिनाई नहीं करता कि आपको इस चीज़ से मतलब इनकार नहीं करता कि आपको कोचिंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल आपको कोचिंग करनी चाहिए। किस लिए करनी चाहिए इसके लिए मतलब ऐसा कोई कंपिटिशन एग्ज़ाम नहीं कि जिसको सेल्फ स्टडी करके फाइट नहीं किया जाए, किया जा सकता है, लेकिन कोचिंग करने से क्या होता है, कोचिंग करने से आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है। जैसे होता है क्या दोस्तों कि आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो या ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर वो लोग आपको बताते हैं जिन्होंने पहले बहुत मेहनत की है, तो आपको हर एक चीज़ को सीधा सीधा दे देते हैं, यानी आपकी थाली में सीधा बने बनाई रोटी आती है, तो खाने में टाइम कम लगता है। ऐसे आपको आटा गूंदना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, सेकना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा, तो उसमें मेहनत ज़्यादा है, और इधर आपको सीधी रोटी मिल जाती है तो खा लेते हो आप। तो दोस्तों, यही होता है कोचिंग में। अब इसके साथ में जैसे मैंने एक बात बताया कि जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो उनको पेपर का नॉलेज नहीं होता, तो दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि आपके पास में ऑनलाइन कोई ना कोई टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि आज के सभी जो टेस्ट होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। तो दोस्तों, ये ऐप है परीक्षा ऐप, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो इस ऐप पर जाइए, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, SSC GD या आर्मी या रेलवे, तो दोस्तों जैसे आर्मी की आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, लेकिन इस ऐप पर है, आप जाइए ऐप को इंस्टॉल करिए और जहाँ जिस टेस्ट सीरीज़ को आप लेना चाहते हो उसको लिए, वहाँ पर मेरा प्रमो कोड कमांड 50 लगाओगे, आपको 50% डिस्काउंट में वो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और एक बार टेस्ट देके देखिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं और उनको आपको कैसे करना है, तो इससे आपको नॉलेज रहेगा। अब जो मेरे दोस्त पूछते हैं कि सर फिर कोचिंग करें तो कौन सी करें, और किसको अकेडमी में जाना चाहिए, किसको कोचिंग में जाना चाहिए, और किसको घर पर बैठ कर तैयारी करनी चाहिए, तो ये पूरी मैं बातें बता रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले अकेडमी में किसको जाना चाहिए, दोस्तों जो नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है मेरा दोस्त, वो बिल्कुल अकेडमी में जा सकता है, आपकी इच्छा तो आप घर पे बैठ के भी तैयारी कर सकते हो ऑनलाइन, क्योंकि आज के टाइम में सभी के सभी टॉपिक आपको यूट्यूब पे मिल जाता है यूं। लेकिन आपको अकेडमी में क्यों जाना चाहिए, अकेडमी में आपको इसलिए जाना चाहिए क्योंकि जो अकेडमी कोई अच्छी अकेडमी होती है उनमें अच्छा वातावरण होता है, आपके साथ वाले पढ़ने वाले अच्छे होते हैं, आप ही के सारे सब्जेक्ट वाले होते हैं, तो जो नेवी एयरफोर्स की तैयारी करते हैं वो बिल्कुल अकेडमी में जा कर तैयारी कर सकते हैं। अगर उनका घर में इतना पैसा, आपको पता है अकेडमियों की फ़ीस कितनी है, तो उतना पैसा खर्च करने की अगर हिम्मत हो तो वो जा सकते हैं, क्योंकि आप घर पे बैठ के पढ़ाई करोगे और अकेडमी पढ़ाई करोगे नेवी और एयरफोर्स की, उसमें काफ़ी अंतर आ जाएगा दोस्तों। तो आप जा सकते हो, आपके लिए मैं ये तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि कौन सी अकेडमी में जाइए, नेवी एयरफोर्स की जो भी आपके आसपास में अकेडमी हो आपके बजट में उसमें आप जा सकते हो और अच्छे से तैयारी कर सकते हो। उसके बाद में आती है कि SSC GD के लिए क्या हमको अकेडमी में जाना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, SSC GD वाले कैंडिडेट को अकेडमी में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अकेडमी में क्या होता है, आपको फिजिकल एक्सरसाइज कराई जाएगी, शुरुआत में ही आपको फिजिकली रूप पे से एक्सरसाइज कराएंगे, तो वो आपका टाइम ख़राब करेंगे, होगा क्या कि जैसे आप सुबह रनिंग करोगे शाम को रनिंग करोगे, थकान आ जाएगी, रात को पढ़ नहीं पाओगे, और SSC GD की मेरिट आपने देखी अभी, तो SSC GD के लिए आपको किसी भी अकेडमी में जाने की जरूरत नहीं है। जब फिजिकल का समय आए तब आपकी इच्छा हो तो कहीं फिजिकल की तैयारी करने चले जाना, लेकिन अभी कोई भी अकेडमी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अभी आप सिर्फ सेल्फ स्टडी कर सकते हो, साथ में कोचिंग कर सकते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन। अगर मेरे से पूछो तो मैं ऑनलाइन का बोलूँगा आपको, ताकि आपका टाइम बचे और अच्छे से आप पढ़ सकते हो। ऑफलाइन भी आपकी इच्छा है कोचिंग कर सकते हो, और अगर सेल्फ स्टडी करते हो, अगर आप पहली बार इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको सेल्फ स्टडी के साथ साथ कोचिंग कर सकते हो दोस्तों, लेकिन अकेडमी में नहीं जाना है, आप रूम लेके तैयारी कर सकते हो, ताकि आपको कोचिंग का ही समय, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो तो कर सकते हो या घर पर बैठ के भी पढ़ सकते हो, लेकिन इसके लिए अकेडमी में नहीं जाना। अब RPF जैसे कॉन्स्टेबल की वैकेंसी है, उसके लिए भी आपको अकेडमी में नहीं जाना है। अब रही बात आर्मी की,
आर्मी वाले बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर हमको अकेडमी में जाएँ। दोस्तों अकेडमी में आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी अच्छी अकेडमी है कहीं, आप बिल्कुल अकेडमी में जाइए। उससे आपको वातावरण मिलता है, एक जोश मिलता है, आप घर पर तैयारी करते हो तो एक दिन करते हो, दूसरे दिन आप में नेगेटिविटी आ जाती है और मोरल डाउन हो जाता है, तो आपको वहाँ पर एक मोरल अप मिलेगा और भी आपके साथी दौड़ेंगे, आपको टाइमिंग का पता चलेगा। आर्मी के लिए आपको पता सबसे ज़्यादा जोश की ज़रूरत होती है, तो आपको जोश का पता, जोश भी आएगा आप में, वहाँ दौड़ोगे आपको पता चलेगा कि मैं कितने सेकंड चल रहा हूँ। अब घर पे तो आपको कोई नहीं देख रहा ना, वहाँ पर आपको अपने आप फील होगा कि यार ये मेरे से आगे क्यों जा रहा है। हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करोगे तो आपके लिए ज़रूर आप अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, मेरे हिसाब से। बाकी आपकी इच्छा है, आप अगर आप में दम है 5:20 में या 5 के अंदर रनिंग करने का, फिर आपको अकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं, फिर ऑनलाइन तैयारी करिए अपने घर पे बैठ के और सेल्फ स्टडी करिए। अगर आप दौड़ कर देते हो 5:20 में तो आपको फिर कोई सी अकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके दौड़ के टाइम थोड़ा ज़्यादा आ रहा है और आपको लग रहा है कि आप घर पे तैयारी नहीं कर सकते, तो आप ज़रूर जा सकते हो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।